हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। दोस्तों, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है कि आईबीपीएस ने अपना आरआरबी का सेवंथ सीजन का नोटिफिकेशन डिस्क्लोज कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस द्वारा रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जो कि हमारे 57 ग्रामीण बैंक्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके लिए नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है आईबीपीएस द्वारा, आरआरबी द्वारा। और इसमें आपका ऑफिसर स्किल 1, 2 एंड 3 जो ग्रुप ए की पोजीशन रहती है, उसके लिए वैकेंसीज डिस्क्लोज की गई है, जिसमें आपका ग्रुप ए कैडर जो रहता है उसकी वैकेंसीज डिस्क्लोज की गई है। ग्रुप ए की उसमें आता है आपका ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। और सेकेंड वन आपकी जो है ग्रुप बी की डिक्लेयर की गई है, कैडर ऑफिस असिस्टेंट की। ओके, ये जो दो वैकेंसीज डिस्क्लोज की गई है इंस्टीट्यूट द्वारा, इसमें आप यदि फ्रेशर हैं तो आप एलिजिबल हैं दो तरह की वैकेंसीज के लिए। एक वैकेंसीज है आपकी ऑफिसर स्केल 1 और सेकेंड वन आप एलिजिबल हैं ऑफिस असिस्टेंट। यदि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यदि आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, किसी भी तरीके की बैचलर डिग्री अगर आपने की है, तो आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो आप इस बार के सेशन में ये दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो प्लीज वीडियो आखिर तक देखिए, समझिए कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके के फेसेस आपको आएंगे एग्जाम को फाइट करने के लिए। सबसे पहले आपके ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में तीन या दो फेस होते हैं। ऑफिसर स्केल 1 जो कि ग्रुप ए कैडर का है, इसमें आपके तीन फेस होंगे। फर्स्ट वन आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रिलिमरी एग्जाम रहेगा। सेकेंड वन आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका मेंस। थर्ड वन आपका रहेगा इंटरव्यू। ये तीन फेस से आपको गुजरना होगा यदि आपको ऑफिसर स्केल 1 के लिए फाइट करनी है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपके दो फेसेस रहेंगे, प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस। ओके, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से दो फेसेस में आप ऑफिस असिस्टेंट बन जाते हैं और तीन फेसेस में आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अब ये तीन पैटर्न में आपको होता क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए और एलिजिबिलिटी क्या होती है वो समझिए एग्जामिनेशन के लिए। वो सबसे पहले ये है आपका कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड वन आपका ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज में ही मीन्स आपका जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। यदि आप हिंदी स्टेट के हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपके लिए जरूरी है, मैंडेटरी होना। यदि आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी होना जरूरी है। इस तरीके से आप जिस भी स्टेट में से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए ही फिल कर सकते हैं। यदि आप हर इंडिविजुअल स्टेट के लिए ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि आप महाराष्ट्रियन हैं, मराठी में आपका एजुकेशन हुआ है या कोई ना कोई एक स्कूलिंग लाइफ में आपको एक मराठी सब्जेक्ट आना चाहिए, तो आप उसका उस स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने हिंदी किया है तो हिंदी के किसी भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप तमिल तेलुगु हैं तो आप तमिल तेलुगु किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप केवल उस स्टेट के ग्रामीण बैंक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थर्ड वन आपका यह है कि डिजायरेबल रहता है। डिजायरेबल ये रहता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यह मैंडेटरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इन केस ऑफ एग्जामिनेशन में। यदि कंपटीशन ऐसा कुछ होता है तो आपको प्रेफरेंस उस हिसाब से दिया जाएगा। सेकंड वन हो जाती है आपकी फीस। अभी फॉर्म फिल करते समय आपको जो फी पे करना है वो ऑनलाइन मोड होगा। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से। ये सबसे इजी प्रोसीजर रहता है दोस्तों, वो बता रहा हूं मैं आपको कि आप डेबिट कार्ड यूज करें या इंटरनेट बैंकिंग यूज करें।
प्रेफर करें, यदि आप वो फॉर्म फिल करते बन रहा है तो आप स्वयं फिल करें तो वो बेटर होगा, या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या शॉप से फिल कर सकते हैं या फिल करवा सकते हैं किसी भी कलीग्स या शॉप वालों से, वो भी इजी रहता है। ओके, फी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 100 रुपीज़ जो रहती है वो रहती है SC ST, और फिजिकली हैंडीकैप जो रहते हैं उनके लिए रहती है 100 रुपीज़, एंड 600 जो रहेगी इनको छोड़कर ऑल अदर कैटेगरीज को। ओके, सो 600 आपको फिल करना है। ओके, अब इसमें ये समझना है कि ये जो है ये टोटल फीस नहीं है। ऑफिसर स्केल, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की, और ऑफिस असिस्टेंट की। आपको ऑफिसर स्केल 1 का अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो आपको 600 यहाँ पे करना होगा, ऑफिस असिस्टेंट में 600 यहाँ पे करना होगा। यदि SC ST है तो 100 रुपीज़ का ये फॉर्म फिल करना होगा और 100 रुपीज़ का आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, तब आप दोनों पेपर दे सकते हैं, नहीं तो कोई एक पेपर आप 600 या 100 में फिल कर सकते हैं। सो यदि आपको दोनों एग्जाम फाइट करनी है तो आपको, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1,200 पे करना है, यदि आप SC ST के हैं और दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो 200 आपको टोटल पे करना रहेगा। ओके, देन आप ये समझिए कि एग्जाम कब होंगे, प्रिलिमरी एग्जाम कब होगा और मेंस एग्जाम कब होंगे, इंटरव्यू की डेट्स क्या हैं, और आपको फिल एग्जाम, अच्छा ओके, एग्जाम आपको फॉर्म फिल करने की जो डेट डिस्क्लोज की गई है वो की गई है आपको 18th of June 2019 टू 4th of July 2019, इन दो डेट्स के बीच में आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो आज कुछ 14-15 हो रही है डेट, और आपके पास अभी 4 दिन है, 4 दिन के बाद 18th of June से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं IBPS.in, IBPS वेबसाइट को आप विजिट करिए www.ibps.in, देन आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट के लेफ्ट साइड में ब्लॉक्स आएंगे ऐसे, इन ब्लॉक्स में बहुत सारे टैब रहेंगे जिसमें आपका RRB भी होगा, क्लैरिकल भी होगा, PO भी होगा। सो आपको ये वाले सेक्शन में क्लिक करना है, RRB वाले सेक्शन में। जो पहला नोटिफिकेशन होगा फॉर 8th RRB, इसमें आपको क्लिक करना है, देन अप्लाई, ऑनलाइन में जाकर आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। ओके, सो ये होगा। देन आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे ये मैं आपको बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप देख लीजिए एक बार। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। फर्स्ट वन आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो, ये स्कैन कॉपी लगेगी पासपोर्ट साइज फोटो की। सेकेंड वन आपको लगेगा सिग्नेचर स्कैन। थर्ड वन आपको लगेगा थंब स्कैन, और ये लगेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे ये आपको अपलोड करना है, बाकी इसके साथ आपको ग्रेजुएशन का टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और ईयर ऑफ पासिंग, ये बेसिक डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी होगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ओके, अब इसके अलावा जो आपकी डेट है प्रीलिमरी और उस मेंस की इंटरव्यू की वो मैं आपको बता दूं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। देन मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिमरी में कौन से सेक्शन है, मेंस में कौन से सेक्शन है। सबसे पहले ये लिख लीजिए कि फर्स्ट वन आपका जो है
वो है प्रिलिमरी ऑफिस, सॉरी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले प्रीलिम्स जो होगा ऑफिसर स्केल 1 की जो डेट है, प्रीलिम्स की डेट है, ये है आपकी 3rd 4th, ये सभी चीजें नोट करते जाइए, अगस्त 2019। ओके, देन ऑफिस असिस्टेंट की जो डेट्स हैं वो हैं 17th 18th 25th अगस्त 2019। सो गाइज आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि 3rd ऑफ अगस्त 4th ऑफ अगस्त 11th ऑफ अगस्त में से कोई एक डेट आपको मिलेगी जिसमें आपका प्रिलिमरी एग्जामिनेशन होगा आपके द्वारा चूज किए गए सेंटर में, और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आज से अगर आप काउंट करें तो नियरली 2 मंथ आपको मिल रहे हैं। सो प्रिपरेशन आज से अभी से शुरू कर दीजिए, 18th तारीख को फॉर्म फिल कर दीजिएगा। यदि कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा। प्रीलिमरीज के लिए कौन से सेक्शन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ये मैं अभी आपको जस्ट बता रहा हूँ। ओके, सो अभी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अब ये आपका प्रीलिमरी की डेट हो गई है, इसे नोट कर लीजिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या चीज आने वाली है वो बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, मार्क्स कितने रहेंगे और टाइम आपको कितना अलॉट किया गया है। आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रीजनिंग एबिलिटी। सेकंड वन रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल टाइम अलाउट रहेगा 45 मिनट्स का। ओके, सो 80 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। ओके, अब इसे आप ये समझिए, ये जो पैटर्न है ये सभी एग्जाम के लिए रहेगा, आपका ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों में फॉलो। सो आपको प्रिपरेशन एक ही करनी है, बस क्वेश्चंस का लेवल हाई और टफ रहेगा, सॉरी हाई और लो रहेगा। ऑफिसर स्केल 1 जो है ग्रेड ए का है तो इसके लिए थोड़ा हाई रहेगा, ऑफिस असिस्टेंट थोड़ा लो लेवल की पोस्ट है सो इसके लिए थोड़ा लो रहेगा। बस इतना ही रहेगा, टॉपिक्स वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में वो बताऊंगा। ओके, इसमें आपका इसमें एक चीज और ध्यान देना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ये जो आपका प्रीलिमरी एग्जामिनेशन रहेगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको स्कोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना जरूर रहेगा एंड ओवरऑल कट ऑफ निकालना रहेगा। यदि आप इंडिविजुअल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ इसका निकाल लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर मेंस सेकेंड स्टेज के लिए, जो कि हमने इससे पहले आपको बताया है कि प्री और मेंस तो दोनों एग्जाम दोनों ही पेपर में होंगे। चलिए प्रीलिमरी का आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए दोनों की, ये आपके पैटर्न है एग्जाम का। रीजनिंग आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता है, सो ये बहुत ही इजी वे एग्जामिनेशन है, इसकी प्रिपरेशन शुरू करिए। क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, नेगेटिव मार्किंग्स रहती है, 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए यदि आप प्रीलिम को क्वालिफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए प्रीलिम मेंस की क्या डेट है और किस तरीके से आपको कौन सा पैटर्न और कौन सा सब्जेक्ट वाइज पैटर्न उसमें पूछा जाएगा। ये सेकेंड स्टेज का रहेगा, यदि आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए। मेंस में आप ऑफिसर स्केल 1 की जो डेट डिस्क्लोज की गई है वो की गई है आपकी 22nd सितंबर, अगले ही मंथ इसका एग्जाम हो जाएगा 2019 को। एंड ऑफिस
असिस्टेंट, इसकी डेट जो की गई है वो 29, तो इसकी भी नेक्स्ट मंथ रहेगी 2019 को। एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। अब इसमें आप करेंगे क्या, किस तरीके का पैटर्न पूछा जाएगा वो देख लीजिए। सॉरी, क्वेश्चन मार्क्स ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ओके। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के नोट डाउन करते जाइए। सेकंड पोर्शन रहेगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, ये रहेगा 40 मार्क्स का, वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, सॉरी। थर्ड वन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस इंक्लूडेड रहता है, उसे भी आपको स्टडी करना है, ये रहेंगे 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चन। फोर्थ वन रहेगा आपका, फोर्थ ए रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, और फोर्थ बी रहेगा आपका हिंदी लैंग्वेज। ये 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इसे ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। फिफ्थ वन रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स, ये 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 50 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर्स, ओके, मींस 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, ओके। सो अब इसमें आप ये समझिए कि आपका जो प्री निकल जाएगा उसके बाद आपका 22 सितंबर को 2019 को ऑफिसर स्केल 1 होगा, देन ऑफिस असिस्टेंट 29 सितंबर 2019 को होगा। यदि आपके दोनों ही एग्जाम निकल जाते हैं तो ये आप दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यदि कोई एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होता है तो आप किसी एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पैटर्न दोनों का यही रहेगा, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। इसमें बस फर्क इतना रहेगा कि आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस का 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी सेक्शन जो रहेंगे, इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, चूंकि ग्रामीण बैंक है तो इसमें आपका हिंदी का लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में ही पूरा पेपर देना होगा आपको, 40 क्वेश्चंस आपको पूरे इंग्लिश में आएंगे। यदि आप हिंदी में देना चाहें तो पूरा क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन को देना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी ग्रामर से रिलेटेड या इससे रिलेटेड आपका रहेगा पैराग्राफ रहेंगे, ये सब हिंदी में रहेंगे। इंग्लिश में देंगे तो पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम सब इंग्लिश में रहेंगे, तो इस तरीके से इनमें से किसी एक को चूज करना है आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहेंगे, तो इस तरीके से आपका ये पेपर होगा। अब इस पेपर में नोट डाउन करने वाली चीजें ये हैं कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके। इसके जो मेरिट लिस्ट है वो इससे ही से जनरेट होगी, इस पेपर से ही आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। और यदि आप ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हैं तो मेरिट लिस्ट के ही आधार पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और यदि आप ऑफिसर स्केल 1 का दे रहे हैं तो मेरिट लिस्ट के ही आधार पर आपका अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि आपका रहेगा इंटरव्यू राउंड। ये जो इंटरव्यू राउंड रहेगा ये भी कब रहेगा ये मैं बता दूं आपको, ये रहेगा आपका कंडक्ट होगा नवंबर 2019 में, नेक्स्ट मंथ, जब आप ऑफिसर स्केल 1 मेंस निकाल लेते हैं, देन आपका इस दिन ये रहेगा। और इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देना है, इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहता है, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, यही आपका रैंक डिसाइड करेगी। इसके अलावा आपको इसमें इंडिविजुअल क्वालिफाई होना है, सेक्शन में सभी सेक्शन में इंडिविजुअली क्वालिफाई होना है, मीन्स इसमें भी वही पुराना पैटर्न होगा, इंडिविजुअली क्वालिफाई होना पड़ेगा, और ओवर ऑल क्वालिफाई होना पड़ेगा, ओवरऑल भी क्वालिफाई होना पड़ेगा, इंडिविजुअली भी क्वालिफाई होना पड़ेगा आपको इस एग्जाम के लिए। सो, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। और यदि आपके पास कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज सपोर्ट करिए। आपको किस तरीके की क्या डिटेल चाहिए वो भी पूछिए। सो, बेस्ट ऑफ लक गाइज।
गुड लक।